एनीवे गाना बहुत अच्छा गाती हैं, तो अब आपका एक इम्तिहान ले रहे हैं। ओहो। आपको जो मैं नाम लूंगी ना, उसका नाम सुन के आपके जहन में कौन सा नाम आता है? आसमा अब्बास, व्हाट विल यू सिंग फॉर हर? तुम साथ हो पास हो क्या हम है। देखा लिरिक्स में मैं इतनी बुरी हूँ। दर्द सी जिंदगी में दर्द है अगर तुम साथ हो। और तुम कह रही हो तुमने सीखा नहीं? नहीं नहीं सीखा तो नहीं। ये जगह कैसे ले रही हो? ये तो उनको देख देख के, क्योंकि गालियाँ बहुत सुनने को मिलती है। कॉपी कैट टाइप बच्ची हो तो। अच्छा किया कर रही है। जो हूँ किया नोट कर लिया तुमने। ओके सज्जल क्या गाना गाओगी इसके? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो एक्ट्रेसेस में इतनी दोस्ती कैसे हो सकती है? मेरी भी बहुत दोस्तियां लेकिन वो कंटेम्प्रेरी एज सच इतनी बेस्ट फ्रेंड मेरी कोई नहीं है शोबेज में। सबा हैं लेकिन वो मुझसे बड़ी हैं। सज्जल का इतना बड़ा दिल है, जब मेरी बारी आती है तो तुम्हारा भी मेरे, मैं तो उसको एज एन इंस्टीट्यूशन लेती हूँ। जब वो बैठे थे वो चीज क्या, वो इतना बड़ा पटाखा है। आप उसको शो पे इनवाइट करें, वो एक शी इज कमिंग, आपको पता चल जाएगा वो क्या चीज है। वो एक बॉम्ब है जो अभी तक मैंने तो उसका नाम ही वो रखा। मैंने कहा वो तो एक एनर्जी बॉम्ब है। मैं उसको कहती हूँ छोटा डॉन, क्योंकि वो ऐसे उसके अंदर, मैं कहती हूँ तुम क्या चीज हो। माशाल्लाह आहद इज एन अमेजिंग पर्सन, हिज फैमिली इज एन अमेजिंग फैमिली। आई थिंक माशाल्लाह माशाल्लाह ये अल्लाह में लाए जोड़ी है। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे हैं। वेरी वेरी लकी। अच्छा जी अभी खत्म नहीं हुआ, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद क्या गाना जिसको उसके सनू नहर वाले पुल पे बुला के, सनू नहर वाले पुल पे बुला के रे हो रे माही किथे रह गया। ओके बुशरा इंसारी। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें वो चांदनी रात। क्योंकि वो इतनी ड्रीमी है, वो इतनी ड्रीमी है, उनकी बातें उनकी आंखें, और वो मासूम भी बहुत है। इतनी सी भी चलाकी नहीं है, खुद ही कहती थी हाय इफ्फत ये मैंने क्या कर दिया। अभी मेरी कल परसों से बात हुई, कहती हाँ ये तो मुझे सोचना चाहिए था। मैंने कहा बुशरा जी आप सोचे नहीं, वो नहीं ज्यादा मार वो सोचती। अच्छा जी यासिर और इकरा क्या गाना डेडिकेट करोगी उन्हें? उनको डेडिकेट करूंगी मैं तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। वाह वाह वाह। अच्छा जी अब बिलाल खान। बिलाल खान उसकी पर्सनालिटी पे कोई गाना? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बिलाल, तो प्यारा सा गाना डेडिकेट कर दो। बिलाल की तो ये होगा जाने तू दिल जानता है, तू है तो I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright। और एंड में जी असद के लिए कौन सा गाना गाएंगी? और ये मैं थोड़ा लंबा सुनना चाहूँ। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ रहेगा। बस इतना ही आता है, सब माफ कर दे जो मैंने गलतियां की हैं। नहीं ये तो माफी से क्या बात कर रही हो, तो खुशी से छलांगे लगानी चाहिए। अच्छा कोई र्यूमर जो तुम्हारे बारे में मशहूर हुआ और तुम खुद कह रही हो कि ये व्हाट द हेल? मैंने एक वॉक की थी उस पे सबने लिखा था ज़ारा नूर अब्बास नशे में धुत, हवा की पता नहीं किस पे वॉक पे रैंप पे करती हुई नशे में धुत। मतलब मैंने कहा इनको मेरी वॉक की स्पीड से तो ये आहिस्ता चली थी, तेज चली, बहुत तेज चली थी। मैं आई मैंने कहा दर्द 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 दर्द, मैंने कहा अब ये जो सपोज टू डू दैट तो हुई नहीं। मैंने कहा जस्ट आना है चलना है तो फिर जोर से चलते हैं जरा, वो इतनी जोर से मैंने चल दिया। बहुत जोर की मॉडलिंग आ गई थी तो जैसे बहुत जोर की कैटवॉक आ गई थी। मैंने कहा मैं अभी टायरा बैंक्स की जो हूँ राइट लेफ्ट कुछ बन के दिखाती हूँ, तो वो बस सबने कहा ज़ारा नूर अब्बास नशे में धुत। ओके और कोई ऐसा र्यूमर जो तुम चाहती हो के फैल जाए?
ऐसा र्यूमर ओहो अच्छा नहीं है तो खैर है हाँ, ना ही पहले। अच्छा जी अब मुझे बताएं इसका हाँ या ना का जवाब है ठीक है। कोई फिल्म या ड्रामा स्क्रिप्ट पढ़े बगैर कभी की हाँ या ना? खामोशी सिर्फ फर्स्ट 3 एपिसोड्स पढ़े थे। नहीं बिल्कुल ही पढ़े बगैर, बिल्कुल ही पढ़े बगैर। बस कास्ट सुन ली और पैसे की बात हो गई, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, मेन तुम्हारी लीड है, तुमने कह दिया हाँ ठीक है। नेवर। और 3 किस्तें पढ़ के जो किया था 3 किस्तों से तुम सेटिस्फाइड हो गई थी? मैं खुश हो गई थी। तो तुमने कहा बाकी अब क्या पढ़ना, अब सेट पे पढ़ लूंगी। उसके बाद जब फिर गई तो फिर और खुश हो गई। लेकिन बहुत बुरी बात है, पढ़ के जानी चाहिए। कभी किसी की बुराई की हो और पकड़ी गई हो? बुराई तो की है, पकड़ी नहीं गई, पकड़ी भी गई थी। फिर बहुत बुरा लगा, कच्ची हुई और फिर एहसास हुआ कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, मतलब देखभाल के करनी चाहिए। कि नहीं, मुझे लगा करनी नहीं चाहिए, अब तो मैं करती ही नहीं। बहुत मैं कहती हूँ कि क्यों कोई फिर मेरी भी करेगा, क्योंकि कार्मा के ख्याल अभी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मैं रुक जाऊँ ना, मैं उस नेगेटिविटी में क्यों जाऊँ। अच्छा कोई ऐसी पुरानी फिल्म जिस पे काम करने का शौक है, जैसे मुझे अमराव जान का बहुत, मैं दीवानी हूँ, मतलब या मीना कुमारी की पाकीज़ा कि हाय काश वो दोबारा बने और मैं जब यंग थी तो बनती और मैं करती। तुम्हारा कोई अगर मैं ये जवाब दूंगी तो नहीं, इसका मतलब ही यू एंड आई थिंक अलाइक। मेरा एग्जैक्टली अभी मैं उस दिन आसिम को कहती थी, आसिम अगर अब आपको ही फिल्म बनाना चाहे ना अमराव जान टाइप, तो सुने मुझे फोन कर लीजिए। उन्होंने कहा अच्छा तू करेगी दोबारा? मैंने कहा ऑब्वियसली आसिम आप प्लीज। यानी कि तुम्हारे अंदर डांस करने के लिए और गाना गाने के लिए मचल रही हो। मचल जल बिन मछली। अच्छा किल मैरी लव ठीक है, फवाद खान, आमिर खान एंड शाहरुख खान? हाय I love शाहरुख। You said अभी मान गई थी तुम। फवाद क्योंकि अपने हैं तो यू मैरी, मैं किल तो नहीं कर सकती, मैं मैरी भी नहीं कर सकती। फवाद हो सकती है तो बेचारे आमिर को किल कर दे। नहीं उनको भी नहीं, बहुत बड़े लेजेंड। बस फिर हम सिर्फ शाहरुख से प्यार करेंगे, सिर्फ शाहरुख से जाएंगे, फवाद से लव कर लेते हैं। हाँ, फवाद और मैरी हम शाहरुख कर लेते हैं। अब तुम्हारी तो हुई भी है तो मैं हम हो गई ना, तो हुई तो हम, मेरी भी हम हुई कर लेते हैं शाहरुख। लेकिन ख्यालों में ना, हम शाहरुख से सिर्फ प्यार नहीं कर सकते, शाहरुख से भी प्यार, फवाद से भी प्यार। हाँ ठीक है, फवाद भी अच्छे हैं। अच्छा पढ़े प्यार में तुम्हारी सबसे ज्यादा दोस्ती किससे हुई? हाय अल्लाह बहुत लोगों से हुई, लिस्ट में है ना। योर बेस्ट बेस्ट फ्रेंड जो एक नहीं है, एक बनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है? आसिम। Drama serial or movies? Obviously movies if given a chance. Drama. Really? अगर एक अच्छा drama offer हो और एक average film offer हो तो drama. अब हर वक्त तो आसिम नई film बना रहे हैं। हाँ ये तो बात सही है। वो क्या करे? अच्छा biggest diva male or female in the industry? Biggest diva male Adnan Ansari. हमारे परे हट के जो makeup artist हैं, I think he is an absolute diva. Really? I love how he is. वो इतना जो हाई मेंटेनेंस, नखरे, एंटोराज, इतने तो लोग हैं, क्या बात कर रही हो? हाँ अच्छा फिर मेरी मुलाकात नहीं। ओके ठीक है, यू बीइंग सेफ। अच्छा जी कोई ऐसी ख्वाहिश जो बहुत जल्द पूरा करने का इरादा है? बहुत जल्द पूरा करने का इरादा है नहीं, अभी तो फिलहाल ख्वाहिश थी अच्छा काम करने की, वो हो रहा है। इसके बाद दिल कर रहा है कि एक और फिल्म करूं, लेकिन अभी नहीं पता। तो अभी क्या है आगे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या ऑफर्स? अभी तो ड्रामा है, कुछ फिल्म्स भी पाइपलाइन में हैं, ऑफर हैं। लेकिन अब आम ड्रामा भी साइन नहीं कर सकोगी ना, ड्रामा भी बहुत देखभाल के, क्योंकि विद सच सक्सेस कम्स लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी और उसको उस मयार को बरकरार रखना, इसकी टेंशन, बहुत टेंशन होती है। तो बहुत देखना पड़ेगा कि अब क्या करने लगी हूँ। तो बस आई होप सबका प्यार और सबकी दुआएं और अल्लाह मियाँ के प्लान्स जो है मेरे लिए वो ऐसे ही अच्छा, हैं। लेकिन मैं एक और बात ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने शोज में ऐसे सवालात ही क्यों पूछते हैं कि जिससे जिसका जवाब इस जानब मुझे एक सके। सवाल जो हमारे शोज का यूजुअली होता है ना, बहुत अजीब लगता है कि जब सामने किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की तस्वीर लगा के रखा जाता है, अच्छा जी 10 में से नंबर दें, क्यों? आई डोंट नो, हम 10 में से नंबर क्यों दे रहे हैं एक दूसरे को?
और हम हैं कौन, हम हैं कौन नंबर देने वाले, ऑडियंस दे रही है ना, मायरा सुपरस्टार है, आप जो अल्लाह मैंने जिसको इज्जत दिया आप जो मर्जी कह लें, और आप तो सुना एक बात बात फिर ऊपर। मैं जब किसी बच्ची के बारे में पढ़ती हूँ, जो छोटे छोटे बच्चों के बारे में केसेस आते हैं, फिर जब कोई पॉलिटिकल केस आता है, मैं इतनी इसमें ज़्यादा इंडल्ज हो जाती हूँ और मैं इतना डिप्रेशन में चली जाती हूँ। No wonder you are an amazing actor. कि मैं सोचती हूँ कि इतनी इतनी बुरी दुनिया, फिर मुझे इफ़त अपने आप को निकालना पड़ता है उससे, क्योंकि फिर हमें दुनिया को शक्ल दिखानी है, काम करना है। तुम तो उसको पागल कर देती होगी। असद को फिर जब असद कहते हैं आप इस बात पे रो रही हैं, मतलब प्लीज, मैं कहती हूँ मैं कैसे नहीं रो, क्योंकि तुम्हारे अपने बेबी होंगी, पालोगी कैसे, मैं बहुत इतनी सेंसिटिव हो तो बच्चों को पालना आसान नहीं होता। यू हैव टू हैव अ बिग हार्ट, बिग हार्ट एंड वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो। मेरी अम्मा और आप, टीके भी लगेंगे बच्चों को, उन्होंने बीमार भी होना है, उनका ख्याल भी रखना है, उनके स्कूल पे एडमिशन भी होने हैं, उन्होंने फेल भी होना है मैथ्स में, इंशाल्लाह इतने लायक मेरे बच्चे तो मैथ्स में फेल होंगे, बहुत बुरी हूँ मैथ्स में।